चलें जी चावल हम देखते हैं, उठाते हैं, खुदा का नाम लेके, खुदा का नाम लेके देखते हैं कैसे बने हैं। चलिए मैं थोड़े ऐसे निकालूंगी अगर उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। ये हैं क्या बेटी? चावल। चावल तो आज बेटी बनाएगी जर्दा, जर्दा बनाएगी न्याज करने के लिए, ठीक है, शुक्रगुजारी के लिए। बिल्कुल यही बात है जी, हाँ यही बात है। तो आज तो ये चावल हैं, देखिए माशाल्लाह। और ये हमारे पास कुछ किशमिश, खोपरा, जर्दा कलर, बादाम वगैरह हैं, ठीक है, और शुगर है, और कुछ नहीं है, ये चीजें हैं। क्या ऑयल? हाँ ऑयल भी डलेगा तो ऑयल नहीं है क्या? है ना, वैसे मैं कह रही हूँ ऑयल भी डलता है। अच्छा अच्छा ठीक है, मुझे पता नहीं था, नहीं तो मैं ले आता, तो मुझे जितना अंदाजा था उतनी चीजें मैं ले आया। तो अभी ये चावल बना के ये हम लोगों ने करनी है न्याज, शुक्रगुजारी दुआ के लिए, ठीक है। तो चलो करें बनाना स्टार्ट, ठीक है। अभी मैं इसको उबालने रखती हूँ चावल को, पहले उबलेंगे जी। चलो तो सबसे पहले हम चूल्हा जला के चावलों को उबलने के लिए रखेंगे। तो जब ये थोड़ी थोड़ी कनी में रह जाएंगे ना, है ना, तो फिर मैं इसको उतार लूंगी। ठीक, तो तब तक मैं करती हूँ इसका जो उसके अंदर डालना है वो रेडी कर देती हूँ। चावल वॉश कर लो। हाँ हाँ वॉश करती हूँ। इस तरह पानी में रखेगी, उससे ये होगा बादामों के छिलके उतारेगी भी, ठीक। यही बात है ना? हाँ जी। तो छिलका समेत भी तो डाल सकते हो, ऐसे साबुत बादाम नहीं, ऐसे ऐसे रखते हैं क्या? छिलकों से उतार के छिलकते हैं। अच्छा, निकाल रहे ये बादाम, निकाल लिए ये किशमिश, निकाल के रख रहे कि फिर जल्दबाजी में फिर वो निकलता ही नहीं है चीजें। हाँ निकाल के रख लिए। और चावल जो है अभी पानी उबलने के लिए रखा है, जब उबल जाएगा फिर चावल डालेंगे। चावल डालूंगी तो कढ़ी में रखूंगी, तो फिर इसका लगाऊंगी तड़का चावलों का, तो उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं आज जर्दा चावल, जर्दा चावल कैसे बना, जर्दा चावल कैसे बनाती हूँ। हमारा पानी उबल गया, उबल गया जी। हाँ थोड़ा तो बच्ची अब कर रही है चावलों को वॉश। चलें वॉश करके फिर डालते हैं, कर लो वॉश। पानी उबल चुका है, अम्मी ले जाओ उसको साथ ही, उधर उधर उनके साथ खेलती रहेगी। ये कलर, चावल भी उबल जाएंगे और कलर भी पकड़ जाएंगे। और डाल लो थोड़ा, आप मिक्स करना जरा, और बस दिखाओ ना जरा, सही? हाँ सही हो चुके हैं, तकरीबन एक कनी के रहते हैं, है ना? हाँ, वो दम पे पूरी तरह पकी नहीं है, दम पे रखेंगे। अब हम इसमें छान लेंगे चावलों को, पानी को छान लेंगे, पानी को छान लेंगे, ठीक है, छान लेते हैं फिर दिखाते हैं, ठीक है। कलर बहुत अच्छा आया है येलो। चावल हम लोगों ने टोकरी में निकाल लिए हैं, अब बनाएंगे इसका सीरा। इसका सीरा, सीरा वही चीनी का, चीनी का शीरा बनाएंगे, तो उसमें डाल देंगे तो चावल हमारे हो जाएंगे रेडी। अभी ये कनी पे है क्या? हाँ, लग तो नहीं रहे, कनी पे है ना? हाँ एक कनी पे है, ऐसे ही होगी ना, क्योंकि ज्यादा वो ज्यादा इसको उगा लेंगे तो फिर उसके जब दम पे रखेंगे तो वो फिर जुड़ जाएंगे, ठीक है जी। अब बनाएंगे चीनी का शीरा, पहले ऑयल ना, वो ही देख रही जेल से निकल गया। पहले हम डालेंगे, तो पहले हम लोगों ने कर ली खाली, पहले डालेंगे ऑयल। ओ रंग वाले डब्बे में ऑयल भर के रखा है, वाह। ये मम्मी ने रखा है। एक पाव कितना होता है? एक पाव काफी होता है। एक पाव बोले डाल। क्योंकि ज्यादा चिकने हो जाएंगे, फिर भी नहीं खाए जाते, मीडियम होने चाहिए। और इसमें डालेंगे पानी और चीनी। मेरा मोबाइल जलने लगा था, कहाँ है? सॉरी।
उसमें वो ले क्या चीज है वो जब चीनी डालूंगी ना फिर इसके अंदर चीजें डालूंगी। कौन सी चीज है वो वाली जो उसके अंदर किशमिश वगैरह? वो एंड पे ऊपर डालनी है, जब बिल्कुल रेडी हो जाएंगे ऊपर डालनी है। यार गलती नहीं है, चार तो कच्चे आ जाएंगे थोड़े थोड़े, पता नहीं हम हो गया। वैसे चीनी डालना शुरू हो गए, ठीक है इसको हिलाओ जम जाएगी। वो पानी डालते मम्मी ख्याल से, अम्मा बोल रहे हैं इसे भी इसको भी इसको ध्यान पड़ेगा। हां बस वो बस हिलाते रहो ये जम नहीं रहा, वो भी इसके अंदर डालो किशमिश बादाम। देखो बिट्टी ने बादामों का छिलका उतार दिया। हिलाते रहे हैं, अगर हिलाएंगे नहीं तो जम जाएगी चीनी जो है ना, ऐसे कि मैट हो जाएगी। तो फिर ऐसे वो चावल डाल के फिर उसको दम पे रख देंगे। चावल डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे उसके बाद दम पे रखेंगे। ये चीनी पिघल रही है, हाँ चस बन रही है चस। वो जो जलेबियों में डालते हैं वही ना जी। चावल डाले देखिए छिटे नहीं कर जाए ऊपर, अपने आप से अपने हाथ से कर रहे हैं। हाँ क्या है बाप, डाल दिए अच्छे से करेंगे मिक्स। अच्छे से इसको पकड़ लो ना, सारा घी घी हो गया बिल्कुल। अभी कम होगा पकेंगे अभी। अच्छा ये पानी जो है ना, ये पानी ये चिक्की ही नहीं है, ये जो चीनी का वो है ना, हाँ ये वो है उसकी आपको वो लगा। तो ये बस अभी दम पे रखेंगे है ना, हाँ फिर ये खत्म हो जाएगा पानी, क्योंकि चावल जो बहुत ही खुशक भी होना तो अच्छे नहीं लगते चावल, टेस्टी लग रहे हैं है ना। हाँ ठीक है, ये तवा रखा है नीचे और ऊपर पतीली, अभी पता नहीं क्या क्या रखेगी मिठी। तो दम पे रख दिए, आँच बिल्कुल हल्के की है, ठीक है। तो अब रेडी हो के फिर ही दिखाएंगे आप। दम पे रख दे है ना जी? हाँ दम पे रख दिए। तो अभी मैं बनाने लगी चाय, अभी पिछड़ी रखने लगी है चाय। तो ये दम पे रख दिए इसको 10 से 15 मिनट के ज्यादा टाइम ज्यादा लगेगा, ठीक है 20 मिनट लग जाएंगे। 20 मिनट लगेंगे क्योंकि कनी पे थे ना चावल, इस वजह से। तो ऐसे दम पे रखते हैं, अब जब हम उठाएंगे तो इंशाल्लाह रेडी हो चुके हैं। नहीं जबरदस्त बन गया, जान मुझ पे हंसता है कि फिर भी बहुत ही थोड़े से निकाल लूंगी इतनी देर से रख के। देखें जी अकेला अकेला चावल हो गया बिल्कुल। हाँ सही हो गया, शुक्र है खुदा का सही बने फर्स्ट टाइम बना। तो अब उठाओ पूरा। कहते हैं खाने पीने पे खुदा को हमेशा याद रखना चाहिए, तो चीज कभी कोई भी काम बरकत डलती है, बरकत डलती है, खराब भी नहीं होती। देखो कितने खले खले चावल, और ये मैंने फर्स्ट टाइम बनाए और आप देख सकते हैं। फर्स्ट टाइम नहीं, पहले बनाए थे, पहले बनाए थे बस रल मिल के, अभी तो मैंने साथ अकेली ने बनाया, ये बात होती है। तो आप देख सकते हैं काफी खिले खिले चावल हैं, बहुत ही जबरदस्त बने हैं। स्लोमो बनाना है क्या? नहीं मैं देख रही हूँ। हाँ चावल बहुत टेस्टी बने हैं, देख एक एक दाना और। चलो चलो जी अब बुलाते हैं इसको, कराते हैं दुआ अम्मी से। हाँ तो ठीक है, तो फिर बच्चों के तस्लीम करते हैं, तकसीम क्या करते हैं, तस्तीम बांटते हैं, तस्तीम नहीं तकसीम। चलो जो भी है ये मैं बीच में डालने की, क्योंकि ये वो नहीं हम कर सकते ना, चेक नहीं कर सकते। हाँ। दुआ वाले दुआ करेंगे फिर खा सकते। हाँ। तो अभी मैं झूठे नहीं कर सकते, अब भाया समझ है ना। हाँ तो आप सब लोग बताइएगा कमेंट्स में बिट्टी ने जर्दा कैसा बनाया और आज का व्लॉग हम आपको कैसा लगा। बाकी बच्चों को बांटेंगे तो इंशाल्लाह बांटेंगे, लेकिन वो आपको नहीं दिखा पाए, नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि अच्छा नहीं लगता, अच्छा ना नहीं लगता, तो फिर हाँ और बातें आती है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।